केंद्रीय मंत्री के सामने निर्दलीय ने ठोकी ताल। मारवाड़ की राजनीति में हैंडपंप से आया भूचाल। पूरे देश में अगर इस वक्त सबसे ज्यादा बात किसी एक लोकसभा सीट की हो रही है तो वो है राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट, और इसीलिए आज बाड़मेर की पूरी सियासी गणित क्या कहती है ये आपको समझाते हैं और शुरू करते हैं बात चुनाव की। मारवाड़ की मिट्टी चिलचिलाती धूप में जितना पारा बढ़ा देती है, अब ये मानिए कि उसी तरह का पारा इस वक्त मारवाड़ की राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर से सांसद कैलाश चौधरी की संसद पहुंचने की राह में इस बार सिर्फ रोड़ा नहीं आया है, बल्कि पूरा का पूरा ही रास्ता मानो ब्लॉक कर दिया गया हो। और अब सवाल ये है कि क्या इस राह को वो पार कर पाएंगे। अब वजह भी बहुत खास है, वजह है एक युवा नेता और उसका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। जेएनयू में छात्र राजनीति से लेकर शिव सीट से निर्दलीय विधायक बनने तक और फिर राजस्थान विधानसभा के भीतर मारवाड़ी में शपथ लेने वाले रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक रैली करते हैं और भीड़ उस रैली में अपने आप पहुंच जाती है, बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं और ये देखकर आज बड़े बड़े नेता हैरान हैं, और जिनके सामने रविंद्र सिंह भाटी ताल ठोक रहे हैं वो बहुत परेशान है। और आज इसी बाड़मेर सीट की सियासी गणित क्या कहती है ये मैं आपको समझाने वाली हूँ, और इसीलिए दो चेहरों की हम बात करेंगे, एक है कैलाश चौधरी और दूसरे रविंद्र सिंह भाटी। इनके बारे में बहुत अहम बातें मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले रविंद्र सिंह भाटी आखिर है कौन, ये मैं आपको बताती हूँ। राजस्थान के शिव से ताल्लुक रखने वाला एक शिक्षक का बेटा जो सबसे पहला रिकॉर्ड अपनी छात्र राजनीति के दौरान तोड़ देता है, और ये बात 2019 के वक्त की है जब रविंद्र सिंह भाटी ने जेएनयू यानी कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहा और एबीवीपी से टिकट की मांग कर दी, लेकिन एबीवीपी से टिकट मिल नहीं पाया। असल में यहीं से ही उनके राजनीतिक करियर की बहुत धुआंधार शुरुआत हो गई। हुआ ये कि भाटी ने उस वक्त बगावत कर ली और निर्दलीय के तौर पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, और फिर क्या था, आखिरकार 57 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि निर्दलीय के तौर पर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष के तौर पर किसी को चुना गया। अब राजनीतिक पंडित ये भी बताते हैं कि वहीं से ही उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने लिए शुरू कर दी थी, और फिर 2023 में वक्त आया राजस्थान विधानसभा चुनाव का, जब भाटी को अपनी तैयारी को अंजाम देने का वक्त आ चुका था। अब जो विचारधारा उनकी थी वो बीजेपी वाली ही थी और बहुत जबरदस्त हिंदुत्व की छवि वो रखते हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा दावा ये किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं, और इसके लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन भाटी कामयाब हुए, प्रयास फेल हो गए और भाटी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब वो नेता जो नहीं चाहते थे कि भाटी बीजेपी में आए, उन्होंने अब इस बार ये कोशिश की कि वो आ तो गए हैं लेकिन किसी भी तरह उन्हें टिकट ना मिल जाए, और इस बार हो गया ये। शिव से भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका नाम है स्वरूप सिंह खारा, उन्हें टिकट दे दिया। अब ये वक्त वो था जब दूसरी बार रविंद्र सिंह भाटी बगावत पर उतर आए, और फिर एक इतिहास उन्होंने फिर से रच दिया। शिव से निर्दलीय ताल भी ठोकी और विजयी भी हुए। शायद वो नेता जो चाहते थे कि टिकट ना मिले, उन्हें भविष्य में होने वाली इस युवा शक्ति का आभास वहीं हो गया था। यहां तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं आपको बताऊं कि निर्दलीय जब वो जीत गए उसके बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। उसका कारण ये था कि बीजेपी की विचारधारा वो रखते थे और पीएम मोदी के वो बहुत फैन रहे, उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर एक हैंडपंप ने पूरा का पूरा सियासी खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, हैंडपंप। दरअसल राजस्थान जलदाय विभाग की तरफ से 14 मार्च 2024 का वो दिन था जब एक पत्र बाड़मेर को लेकर वायरल हुआ। अब ये जो पत्र है, लेटर है, उसमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए जो नेता है उनके डिजायर के हिसाब से हैंडपंप को मंजूर होने की जानकारी मिली। बस इसी जानकारी में सारा का सारा सियासी पेच फंसा हुआ है, और अब मैं आपको वो लेटर दिखाती हूँ। इस लेटर को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए।
आपको इसमें दिखाई देगा कि पीएचईडी का जो ये लेटर है उसके अनुसार बाड़मेर में 20, चौटन में 20, आहोर में 10 और पिंडवाड़ा आबू में 20, जैसलमेर में 18, पचपदरा बालोतरा में 25, रानीवाड़ा जालौर में 20 और बायतू में 27 और शिव में, फिर से सुनिए, शिव में 22 हैंडपंप मंजूर कर दिए गए। लेकिन हुआ क्या कि जब इसमें शिव विधानसभा क्षेत्र का नाम लिया गया तो उसको छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों को नाम से यहां पर लिखा गया, जबकि शिव के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि कुल 22 में से सिर्फ 2 हैंडपंप रविंद्र सिंह भाटी और जो 20 हैंडपंप है वो स्वरूप सिंह राठी की डिजायर पर मंजूर किए गए हैं। अब ये वही स्वरूप सिंह है जिनके बारे में इससे पहले मैंने आपको बताया शिव से बीजेपी ने टिकट दिया और इन्हीं के वजह से भाटी बगावत पर उतर आए थे। अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि बस ये जो हैंडपंप मंजूरी हुई इसी के साथ रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह राठौड़ का नाम लिखकर जो सामने आया वो सियासी रुख बदलने की कोशिश की गई और इसीलिए अब ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ सकता है। और सिर्फ ये राजनीतिक पंडित नहीं कह रहे, खुद रविंद्र सिंह भाटी ने मारवाड़ी में कबूल किया है कि ये सारी महाभारत हैंडपंप से ही शुरू हुई है। आप सुनिए। 5 गांवों ने वास्ते शुरू हुई थी जिसे आज तक आप याद रखा और विश्वास में बैठो क्या कि ये 2 हैंडपंप वाली जो महाभारत है आने वाले दौर में मीना एक नए इतिहास लिखे। और ऐसा नहीं है कि उन्हें मनाने की कोशिश नहीं हुई होगी, मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये भी करती हैं कि बहुत कोशिश हुई है, लेकिन अब इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनकी जीत की बात कर रहा है, कौन ये कह रहा है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे, वो हार जाएंगे। अब उन्हें सिर्फ एक लक्ष्य यहां से नजर आता है और वो लक्ष्य है कैलाश चौधरी को चुनाव हरा देना। लेकिन कैलाश चौधरी जो मौजूदा मंत्री हैं वो भी बहुत कद्दावर नेता हैं। अब उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर जीवन देखेंगे तो बहुत संघर्षों से उनका भरा रहा। ग्रेजुएशन करने के बाद कैलाश चौधरी को राजनीति में जब बहुत खास पहचान नहीं मिली तो आप ये जानिए कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए बस कंडक्टर की भी नौकरी उन्होंने की है। और ठीक ऐसे ही छात्र राजनीति से वो उभरे हुए नेता हैं, जैसे कि रविंद्र सिंह भाटी हैं और एक बहुत दबंग छात्र नेता वो हुआ करते थे। बताया जाता है कि बाड़मेर बालोतरा में फैक्ट्रियां बंद पर कई मजदूरों का रोजगार वहां पर छिन गया था और इसी पर कैलाश चौधरी 4 महीने तक धरने पर बैठे हुए थे। पुलिस ने उन पर खूब लाठियां बरसाई और जेल में भी उन्हें डाल दिया गया था। लेकिन कहा जाता है कि जब ये भूख हड़ताल उन्होंने की तो इसी के बाद एक टर्निंग पॉइंट राजनीतिक करियर का उनका देखने को मिला। अब राजनीतिक सफर उनका कैसा रहा ये भी मैं आपको बताती हूँ। 1999 में पार्षद का उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। फिर 2004 में जिला परिषद वो सदस्य बन गए और फिर 2023 में बायतू से विधायक बन गए। फिर 2018 में भी बायतू से ही विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश चौधरी के सामने इस बार वो हार गए। फिर 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह को एक बड़े मार्जिन से 3 लाख वोट से उन्होंने हरा दिया और फिर इसी कार्यकाल में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल गई। और इस बार जब बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया है, लेकिन कैलाश चौधरी को फिर से बाड़मेर से टिकट मिल चुका है। लेकिन आप एक तरफ देखेंगे कैलाश चौधरी भी बहुत धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ है वो युवा नेता जिसकी लहर इस वक्त बहुत जबरदस्त बाड़मेर में या मारवाड़ की मैं पूरी बात करूं तो यहां पर दिखाई देती है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कैलाश चौधरी जीत का दम भर रहे हैं तो रविंद्र सिंह भाटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब किसकी जीत होगी, कौन ये चुनाव हारेगा, कौन एक बार फिर से इस फाइट को आगे बढ़ाएगा, इन सब कुछ के लिए इंतजार करना होगा लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजों का। लेकिन उसके लिए अभी तक भी आपने हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं।